हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे आधार कार्ड डाउनलोड करना। अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आधार कार्ड डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो होता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है तो उस मोबाइल नंबर के बिना आप जो है आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको प्रॉपर बताया गया है कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ आधार कार्ड डाउनलोड करना। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप गूगल ओपन करेंगे और गूगल में आप सर्च करेंगे UIDAI लिख के सर्च कर देंगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा UIDAI.gov.in। तो इस पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पहले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी आधार कार्ड की। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पहले ही ऑप्शन में दिखाई देगा यहाँ पे चौथे नंबर पर डाउनलोड आधार। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद एक कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डालने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके देखिए सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो आधार कार्ड की इतनी सारी सर्विस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, बैंक लिंक की स्टेटस जान सकते हैं, ऑफलाइन KYC कर सकते हैं, डाउनलोड आधार कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं सिखा रहा हूँ डाउनलोड आधार करना। तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डाउनलोड आधार। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल दिखाई देगी, जो कि ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही हैं, नाम, एड्रेस वगैरह। मैं सिक्योरिटी के रीज़न के कारण मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ही डाउनलोड का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, तो इस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे लिखा गया कॉन्ग्रेचुलेसन, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। तो ये जो है PDF में डाउनलोड हुआ है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जैसे ही ओपन करा तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड में मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होते हैं। तो पासवर्ड में आपको देखिए आपके नाम के शुरू के चार अक्षर कैपिटल लेटर में और आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर वो आपको डालना है। जैसे मेरा नाम है हेमंत, HEMANT हेमंत, तो मैं इस यहाँ पे चार अक्षर डालूंगा शुरू के, HEMA, ये चार अक्षर हो गए, ये डालूंगा। और उसके बाद आपकी डेट ऑफ ईयर जो है आपको ईयर डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ ईयर है, जैसे मेरी 1999, तो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम डालते हैं। तो यहाँ डालने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे आपका आधार कार्ड शो हो जाएगा, PDF में खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से जो है आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है डाउनलोड करने का आधार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आधार कैसे डाउनलोड करना है।